हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दही बड़े की रेसिपी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दही बड़े सबको ही पसंद हैं। उसके लिए हमें जो सामग्री की आवश्यकता है वो है सबसे पहले दाल, जिसकी हमें दही बड़े तलने हैं। ये दाल है, ये 8-10 घंटे पहले भिगोनी पड़ती है और इसका रेशियो होता है 2:1 का। 2 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी मूंग की दाल। यह दाल आप छिलके वाली भी ले सकते हैं और बिना छिलके भी। हमने बिना छिलके की ली हुई है और इसको 8-10 घंटे हो गए हमें भिगो के रखे हुई थी। अब हम इसको दही बड़े तलने के लिए तैयार की है। और इसके बाद हमें चाहिए तलने के लिए तेल, ऑयल, और मसालों में चाहिए काला नमक, दरदरा धनिया, काली मिर्च, सिका हुआ जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हींग, मीठा सोडा और सादा नमक। और इसके साथ दही, चटनी इमली की और धनिया पुदीने की चटनी, जो कि हमने तैयार करके रखी है। यदि आपको चटनी की रेसिपी देखना है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। ये हमारी दाल पिस गई है और ये दाल को हमने थोड़ा दरदरा मोटा पीसा है, इसे एकदम बारीक नहीं पीसना है। अब इसमें हम दरदरा खड़ा धनिया डालेंगे 2 चम्मच और मीठा सोडा 1/4 चम्मच। अच्छे फूलेंगे और हींग मामूली सी, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इधर हम तेल गरम करते हैं। ये ऑयल हमने डाल के रखा है पैन में। अब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें दही बड़े डालेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम बड़े बनाना शुरू करेंगे। ये कटोरी है हमारे पास, इस पे पानी का हाथ लगाएंगे और इस पे पेस्ट डालेंगे दाल का, और पानी के हाथ से ही इसको निकालेंगे ताकि वो चिपके नहीं। और चाहे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इसे अब हम पलटेंगे। इसे हमें हल्के ब्राउन तक सेकना है, हल्का ब्राउन होने वाला है। ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकालेंगे। आपको चम्मच से भी हम डाल के बताते हैं, इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। यदि हमारा दाल चिपक रही है चम्मच के साथ तो इसमें पानी में चम्मच को डाल के फिर निकाल लीजिए। ये हमने बड़े तल लिए हैं। अब इसको हम पानी को थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना करेंगे और उसमें बड़े को डालेंगे। बिल्कुल हल्का सा पानी कुनकुना होना चाहिए। ये हमारा पानी कुनकुना हो गया है और हम गैस बंद कर देंगे और उसमें अब ये हमारे बड़े डाल देंगे। ये हमारे बड़े थोड़ा टाइम 5-7-10 मिनट इसमें पानी में रहेंगे, फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमने 10 मिनट पानी भिगो के रखे हैं और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा, और इसको दही में डालेंगे।
अब इसको हम 5-10 मिनट दही में भीगे रहने देंगे ताकि वह दही अंदर तक इसका समा जाए, उसके बाद हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े हमारे दही में अच्छी तरह से भीग गए हैं, अब इसे हम सर्व के लिए निकालेंगे। चटनी डालेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर नमक डालेंगे, सादा नमक का आप नमक जितना खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। रेड चिली, सिका जीरा पाउडर और काली मिर्ची, और हम हरी चटनी आप पतली खाना चाहें या गाढ़ी खाना चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये हमारा खाने के लिए तैयार हो गया। यदि आपको हमारे स्वादिष्ट दही बड़े की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।